जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक कंप्लीट किया था सिलेबस, लास्ट क्लास में कहां तक कर लिया था? मैम चार्ज ट्रांसफर और वी कॉमन निकालना सीखा था। वो आ गया था समझ में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और शेयरिंग ऑफ चार्जेस, दो टॉपिक कवर हुए थे लास्ट क्लास। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग आज डायरेक्ट्रिक्स की तरफ मूव करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, क्लास होगी ना तुम लोगों की कल और आज? कल और आज में ये कैपेसिटर हम लोग का पहला क्वेश्चन किया था ना लास्ट। अपनी कॉपी को देखो, जो नोट्स जहां पे बनाते हो, जब ये सवाल किया होगा लास्ट, जब पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। ठीक है, अब सवाल क्या है दूसरा? क्या किए हैं? प्लेट्स को चेंज कर दिया है। अब मुझे तुम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बताओ, ये सवाल था जो लास्ट ये वाला। कैपेसिटर है, एक के पास 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस है और एक के पास 20 वोल्ट की बैटरी है। जिसके पास 10, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स का 10 वोल्ट है और 4 माइक्रोफेराड उसका कैपेसिटेंस है। अभी क्या करा देखो, प्लेट्स को चेंज कर दिया, जो ए वाली प्लेट थी उसको डी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ए इज कनेक्टेड विद डी एंड बी इज कनेक्टेड विद सी, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल चार्ज। फाइनल चार्ज बताओ क्या होगा, अब पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। ये रहा क्वेश्चन, रिवर्स कर दिए पोलैरिटी। चलिए सवाल है, क्या किया, जो एक बैटरी थी, जो ए प्लेट थी, ये ए था और ए इज कनेक्टेड विद डी। ठीक है, अब इस कैपेसिटर को डी से कनेक्ट किया गया और यहाँ पे इस प्लेट को सी से, इस तरीके से। ठीक है, ये दो कैपेसिटर,
देखो इसके पास पॉजिटिव साइन है, पुराना वाला सवाल देखो, और यहाँ पे नेगेटिव है, समझो मैं खुद बना रही हूँ, ये नेगेटिव है प्लेट और ये प्लेट है पॉजिटिव, इसके पास का कैपेसिटेंस है और ये है 20 वोल्ट और इसके पास 2 माइक्रो। अब सवाल है कि बताइए आप पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा हर कैपेसिटर के पास और फाइनल चार्ज कितना आएगा। चलो फाइनल चार्ज बताओ Q1 फाइनल और फाइनल बताओ और दोनों पे पोटेंशियल बताओ, यानी V कॉमन कॉमन बताइए। सबसे पहले V कॉमन निकालने की कोशिश करो, हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से निकल जाएगा 40/3 40/2 राइट। अब यहाँ पे माइनस का साइन आएगा बाय C1 प्लस T माइनस T डिवाइडेड बाय 6। आंसर कितना आया भाई, यानी ये 80 माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल अभी नेगेटिव ही नहीं आएगा, यानी इस प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा है तो इसमें से माइनस करेंगे, तो 60/6 आया, तो ये तो 10 वोल्ट आ गया। C1 प्लस C2 4 प्लस 6 और 20 माइनस 4 का 8 80 आगे भी 10 आया। तुम्हारा कितना आ रहा था तुम लोगों का? मैम 10 ही आ रहा है, नहीं आएगा। अब आगे चलिए, अब आपको निकालना है Q1 फाइनल, Q1 फाइनल इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, इसके पास यानी ये तो 20 वोल्ट पे हो जाएगा, ठीक है 20 गुलाम चार्ज हो गया इसके पास, और Q2 फाइनल के पास कितना चार्ज हो गया 40 गुलाम। चल चार्ज निकालो किसके पास कितना था, इसके पास कितना चार्ज था पहले 20 और इसके पास था कितना 80 गुलाम। चार्ज कंजर्वेशन फेल कर रहा है कहीं पे, देखो कहीं ना कहीं एरर है। पास 20 गुलाम चार्ज था सीवी फॉर्मूले से और इसके पास होना चाहिए 4 × 80। कॉमन लगाया तो C1 V1 80 हो जाएगा माइनस 2 10 220 4 10। अच्छा उल्टा है 220 T1 माइनस 20 प्लस 18 तो ये आ गया 10 होना चाहिए, आएगा चार्ज 20 चार्ज आएगा 40। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कहीं ना कहीं हीट एरर्स कहीं पे करी है, ये जो वैल्यूज है ना इनमें कहीं ना कहीं गलत वैल्यूज में एरर है। देखो पुराने वाले क्वेश्चन में 40 के साथ था 10, 4 के साथ था 10 और 2 के साथ था 20, तो यहाँ पे ये 2 और 20 था और ये ठीक से था, तो अगर हम भाई माइनस 40 तो ये बी कॉमन 0 आ जाएगा यहाँ से। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, हो सकता है यहाँ पे कहीं ना कहीं ना कैलकुलेशन इसमें कहीं ना कहीं जो वैल्यूज गिवन है ना वो वैल्यूज गलत भी हुई है,
ठीक है, इसमें जो वैल्यूज का मुझे लग रहा है कि वैल्यूज एरर है। बाकी तुम्हें जो सिखाने का था कि अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो उसमें वैल्यूज क्या हो जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे, ये सिखाने का था। ठीक है चलो एक बार ये वाला सवाल ट्राई करो, उसमें एरर था, छोड़ देना जाओ। क्या है जी? 25 जूल है तो आपके पास कितने एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो ऐड किए गए हैं, और एक प्लेट से और दूसरी प्लेट पर ऐड किए गए हैं, जिस प्लेट का कैपेसिटेंस कितना है 25 नैनो फैराड, फाइंड क्या करना है, चार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है करिए, कि अगर आपको 25 जूल एनर्जी स्टोर करानी है इतने कैपेसिटेंस के कैपेसिटर से जो 5 नैनो फैराड का है, तो आप कितने इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से ऐड करके दूसरी से रिमूव करके, ये फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास, मैं कौन सा यूज करूंगी, क्यू वाला, क्यू स्क्वायर बाय 2c। हमारे पास पोटेंशियल नहीं है तो पोटेंशियल हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो आपके पास एनर्जी है कितना है 25 जूल, क्यू नहीं है, ठीक है तो छोड़ दीजिए। टू मल्टीप्लाई बाय कितनी वैल्यू है, 5 नैनो फेराड, 5 इंटू 10^-, नैनो में कितने होते हैं 9, है ना, अगर फेराड में लिखो 5 × 10^-9 फेराड। क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 10^-8, ठीक है कितना आ गया, तो ये है क्यू स्क्वायर की वैल्यू। अब क्यू की वैल्यू कितनी आई भाई यहाँ से, 5 − 4, ये आ गई चार्ज की वैल्यू। अब लगाओ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, जिस बॉडी में जितना चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास अगर Q कितना है, 5 × 10^-4, n भाई एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होगा, 1.6 × 10^-9, ठीक है। तो यहाँ से क्या फाइंड कर लोगे आप, n की वैल्यू बताओ भाई, ठीक है। इस तरीके से चार्ज पे चार्ज फाइंड करके इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। इस वाले सवाल को देखो, तीन प्लेट है, सवाल क्या कह रहा है मैं सवाल बता रही हूँ। तीन प्लेट्स हैं, बहुत स्मॉल सेपरेशन पे रखी हुई है पास पास में, जो दूसरी वाली प्लेट है उसको हमने चार्ज दिया क्यू, ठीक है। व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज विल फ्लो टू अर्थ व्हेन द की इज प्रेस्ड, मान लो चार्ज फ्लो हो जाएगा अर्थ में, ये पूछा है, इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, और यहाँ से मान लो इस प्लेट से कोई की अभी क्लोज है, ओपन है, ठीक है, यहाँ पे अर्थ से। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इस की को क्लोज कर दूंगी तो मुझे कितना चार्ज है जो अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके पास जो एनर्जी स्टोर्ड है वो है 25 जूल। अब क्या हुआ, तो आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर जो ऐड हुआ है, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस गिवन है 5 नैनो फैराड, तो आपने एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला लगाया क्यू स्क्वायर बाय 2c, यहाँ से चार्ज निकाला कि कितना चार्ज उस कैपेसिटर पे है। चार्ज निकालने के बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल्स टू एन, क्यू की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, तो यहाँ से एन निकाल लो, ठीक है। चौथा सवाल,
कि तीन प्लेट है, बीच वाली प्लेट को चार्ज क्यों दिया जाता है, तो ये बताइए जब ये वाली की को मैं क्लोज कर दूंगी तो अर्थ के पास कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, बताओ कितना फ्लो हो जाएगा। भाई इसके पास प्लस क्यू चार्ज है, इस वाली प्लेट के इधर कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू, और इधर माइनस क्यू आएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज, प्लस क्यू। हाँ तो अब ये प्लस क्यू चार्ज को जब तुम यहाँ पे ये क्लोज कर दोगे, इसको सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। तो अर्थ में कितना चार्ज चला गया भाई, प्लस क्यू चार्ज जो है वो आपके अर्थ में फ्लो कर गया। तो इंडक्शन का था कि इंड्यूस चार्ज का क्वेश्चन था कि चार्ज जो होगा इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस होगा प्लेट के दोनों तरफ, ठीक है, इधर प्लस क्यू आया तो इधर माइनस क्यू, इसके अपोजिट प्लस क्यू। अच्छा अब आ जाओ डायलेक्ट्रिक्स। डायलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, डायलेक्ट्रिक्स का क्या यूज है कैपेसिटर में, अगर कैपेसिटर के बीच में डायलेक्ट्रिक्स को रख दिया जाता है तो क्या बेनिफिट होते हैं, ये चीजें थोड़ी सी आज पढ़ेंगे। देखो डायलेक्ट्रिक्स से आते हैं सवाल, ठीक है, डायलेक्ट्रिक्स से सवाल बनेंगे तो सवाल लगाने हैं, थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी में हम लोग डेरिवेशन वगैरह मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ। तो देखो डायलेक्ट्रिक क्या होता है, डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, अभी पोलर मॉलिक्यूल्स है मतलब अभी वो अभी एक नॉर्मल कंडीशन में ऐसे ही रेंडमली ओरिएंटेड है। मान लो ये तुम्हारा एक पोलर एक ये मॉलिक्यूल है, अभी इसके जो इलेक्ट्रॉन जो अभी इसके मॉलिक्यूल्स है वो रेंडमली ओरिएंटेड है, एक ऐसे कुछ ऐसे 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 रेंडमली ओरिएंटेड है, ठीक है। तो अभी इनके पास क्या है, नेट, अगर नेट डायपोल मोमेंट की मैं बात करूं तो इनके पास नेट डायपोल मोमेंट जो निकल के आएगा वो इनिशियली आएगा जीरो। तो इसीलिए इन्हें क्या बोला है कि कंडक्टर्स तो नहीं है, देखो डायलेक्ट्रिक्स कंडक्टर तो नहीं है, बट क्या है, क्या होगा जब भी डायलेक्ट्रिक मेटल मटेरियल को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जब भी डायलेक्ट्रिक मटेरियल को फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स खुद को अलाइन कर लेंगे फील्ड की डायरेक्शन, जिससे क्या होगा, ये रखा गया द पोलर मॉलिक्यूल्स रोटेट और अलाइन देमसेल्व इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दिस क्रिएट एन एक्सिस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन वन फेस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर फेस। इससे क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लीजिए इधर की तरफ है, ठीक है, अब जो ये रैंडमली ओरिएंटेड थे मॉलिक्यूल्स, यानी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, अभी यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अभी रैंडमली ओरिएंटेड था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा इस मॉलिक्यूल को तो क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज है उन पे फोर्स कहाँ लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ अलाइन हो जाएंगे, और जो नेगेटिव है उन पे फोर्स कहाँ लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो नेगेटिव एक तरफ इकट्ठे हो गए। अब इससे क्या हो गया कि तुम्हारा जो जो तुम्हारे पास जो डायलेक्ट्रिक मटेरियल था उस पे जो चार्जेस हैं वो क्या हो गए, पोलराइज हो गए, है ना, मैं क्या बोल सकती हूँ, चार्ज विल पोलराइज, पोलराइज होने का क्या, सॉरी जो मटेरियल है मॉलिक्यूल है ये क्या हो गया, पोलराइज हो गया। पोलराइज होने का मतलब क्या है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इन्हीं मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। इतना क्लियर है कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का काम क्या है, चार्ज इंड्यूस हो गया, ठीक है। अब मान लो कैपेसिटर के बीच में मैं डाइलेक्ट्रिक रख दूं, देखो ये कैपेसिटर की दो प्लेट है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये कैपेसिटर की प्लेट है जिसपे प्लस सिग्मा चार्ज है, और एक ये कैपेसिटर की प्लेट है जिसपे माइनस सिग्मा चार्ज है, ठीक है, माइनस सिग्मा चार्ज है। अब इसके पूरे स्पेस को मैंने किससे फिल कर दिया भाई, इसके अंदर जितना भी स्पेस था सबके अंदर मैंने क्या रख दिया, डाइलेक्ट्रिक रख दिया, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो देखो यहाँ पे जो ये पैरेलल प्लेट है इसकी ये सिग्मा और ये माइनस सिग्मा, तो फील्ड होगी अंदर, इधर प्लेट ए और प्लेट बी दोनों प्लेट की तरफ जो फील्ड होगी वो कहाँ होगी, सेम डायरेक्शन में होगी, है ना, ये हम लोगों ने देखा था, दोनों की वजह से जो फील्ड होगी सेम डायरेक्शन में होगी, तो मतलब पैरेलल प्लेट के बीच में क्या एग्जिस्ट करती है, बताओ बताओ, पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर के बीच में क्या एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम सेम,
तो मैंने क्या बोला कि ये मेरा ई नेट है, ठीक है, दिस इज ई नेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट। अब बताओ कि मैं इस ई नेट में अगर डाइपोल या डाइलेक्ट्रिक रख दूं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दूं और कम्प्लीटली फिल कर दूं, मतलब कोई स्पेस मैंने एम्प्टी नहीं रखा, मैंने क्या किया अभी तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूँ कि कम्प्लीटली फिल कर दिया, ठीक है, कम्प्लीटली फिल कर दिया जैसा यहाँ पे इस डायग्राम में दिख रहा है। अच्छा, अब इसकी डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है चार्ज को इंड्यूस कर लेगी। तो देखो जितना चार्ज था, मान लो यहाँ पे उसने चार्ज इंड्यूस किया। अब एक बात खास बात और सुनो, कंडक्टर क्या था? कंडक्टर तो जितना चार्ज मैंने बताया था तुम्हें, कंडक्टर जितना चार्ज तुम लेके आओगे उतना चार्ज इंड्यूस करके देगा, मैंने तुम्हें बताया था कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है जितना चार्ज तुम उसके पास रखोगे वो उतना चार्ज इंड्यूस करके देगा। बट ये क्या है याद रखो, दिस इज डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक को कंडक्टर से कंपेयर मत करना कि जितना सरफेस चार्ज यहाँ इसके पास है उतना ही चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो अलग होगा तो इस सरफेस जो प्लेट है उससे अलग। तो समझो सपोज करो यहाँ पे लेकिन इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज आएगा, भाई ये प्लेट है सिग्मा, तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा माइनस सिग्मा, मान लो डाइलेक्ट्रिक का बीम ये माइनस है, तो यहाँ पे जो प्लेट यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो मान लो पॉजिटिव सिग्मा बी आएगा, ठीक है। देखो अब जो अंदर डाइलेक्ट्रिक है इस ये भी पोलराइज हो गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, तो क्या इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी फील्ड होगी? बताओ। yes, डाइलेक्ट्रिक है, हाँ डाइलेक्ट्रिक के अंदर yes, भी फील्ड होगी, जिसे जिसे मैंने नाम दिया ई इंड्यूस्ड, ठीक है, जिसको क्या नाम दिया ई इंड्यूस्ड, जो किसकी वजह से आई है, डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, उसको नाम दिया ई इंड्यूस्ड। अच्छा अब ई इंड्यूस्ड की डायरेक्शन बताओ, ई नेट के सेम डायरेक्शन में होगी या ई नेट के अपोजिट होगी? अपोजिट होगी। अपोजिट क्यों होगी भाई? बिकॉज़ सम चार्जेस अपोजिट है। हाँ, जो इंड्यूस्ड चार्जेस हैं भाई वो अपोजिट हैं, जो एक फील्ड आएगी वो भी कैसी आएगी, उसके अपोजिट आएगी, ठीक है। तो फील्ड जो आई वो कैसी बनी, अपोजिट बन गई, ठीक है, इतना तो मैं अभी तक क्लियर है। अब बताओ कि नेट फील्ड जो होगी इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर, देखो डाइलेक्ट्रिक पूरी स्पेस में है, अगर मुझे अब लिखना है कि ई नेट कितनी है या ई इंड्यूस्ड अगर मैं मानना चाहूँ कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसके डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, तो कैसे निकालोगे भाई? टोटल फील्ड जो ई थी माइनस जो फील्ड इसने इंड्यूस कर दी, ई इंड्यूस, ठीक है, ये अब मान लो ये है आपकी ई डैश, इतना आया। अच्छा, इतनी फील्ड अब आपकी डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, इक्वेशन वन इतनी फील्ड है। अब दूसरा देखो, अब क्या होगा, अब मुझे उसमें बताओ, जब आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कुलाम्स लॉ जब हम लोग पढ़ रहे होंगे कुलाम्स लॉ, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब आप दो चार्जेस को किसके पास रखते हो, किसी मीडियम रखते हो, तो फोर्स कम हो जाता है कि ज्यादा हो जाता है? कम हो जाता है। हाँ, कितना कम हो जाता है? कम हो जाता है। कि अगर एयर में एफ नॉट है तो किसी भी और सब्सटेंस में कितना हो जाएगा, अगर किसी मीडियम में रखा, वहां भी डाइलेक्ट्रिक मैंने पढ़ाया था ना कि एप्सिलॉन नॉट आर को डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। हाँ बताओ फिर कितना कम, जो कम हो जाएगा एफ नॉट बाय के कम हो जाएगा, है ना, एफ नॉट बाय के, जितना डाइलेक्ट्रिक होगा उतने ही अमाउंट से तुम्हारा जो फोर्स की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो सिमिलरली फोर्स भी क्या होता है भाई, फोर्स को अगर फील्ड के लिए लिखो तो क्यू ही होगा, है ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी कितने टाइम्स कम हो जाएगी, अगर डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो उसके अंदर कितनी कम हो गई, ई बाय, हाँ ई बाय के से कम हो गई। यहाँ पे लिख दो ई डैश किसके बराबर हो जाएगी भाई, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो स्पेस में था तो कितना रिड्यूस हो गया, ये ई डैश किसके बराबर आनी चाहिए, ई बाय के बराबर आनी चाहिए। इस ई को चलो ई नोट से डिनोट कर लो, ई नोट कौन सी फील्ड है जो बिना डाइलेक्ट्रिक के रखे थी, यानी वैक्यूम वाली, तो ये आ गया ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, ठीक है। तो इस तरीके से तुमने क्या फाइंड कर ली, कितनी फील्ड इंड्यूस्ड हुई है, ई इंड्यूस्ड फाइंड कर लिया, इसको सॉल्व करोगे तो ई इंड्यूस्ड की वैल्यू आ जाएगी।
दूसरा चार्ज इंड्यूस कैसे निकालोगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्या लिखते हैं चार्ज उसकी फॉर्म में, सिग्मा या चार्ज की फॉर्म में बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ई नॉट, ठीक है। और जो सिग्मा ये हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई नॉट की जगह क्या लिख दोगे, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दो। जो ई इंड्यूस्ड है उसकी जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से तुम क्या निकाल लोगे, सिग्मा आई का रिलेशन निकाल लोगे, वैल्यूज पुट रखे जो कितना आएगा ये, तो सिग्मा इंड्यूस्ड कितना आया है, इंड्यूस्ड चार्ज कितना आएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय के। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ऐसे ही अगर चार्ज आए, चार्ज पूछा जाए तो चार्ज का रिलेशन क्या हो जाएगा बताओ, क्यू इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा किसके बराबर होगा भाई, चार्ज बाय एरिया, यही तो होगा, एरिया दोनों प्लेट का सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू 1 माइनस 1 बाय, ठीक है। तो दो फॉर्मूले तुम्हारे पास यहाँ से डिराइव हो गए हैं, इंड्यूस्ड चार्ज और इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, दो फॉर्मूले हैं, इनको माइंड में बैठा लो, माइंड में सेट कर लो, कॉन्सेप्ट भी बता दिया है क्या है, ये दो फॉर्मूले हैं यहाँ से निकल के आए, बाकी सब मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, करना चाहो तो कर लेना, वरना ये ऐसे ही इसका रिजल्ट है, ठीक है। समझ में आया भाई कैसे किया है ये बोलो, बोलो, बोलो। Yes, देखो तुम खुद भी कर सकते हो, ई को क्या लिख दो, ई को सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रख दो, यहाँ पे ई को क्या रख दो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड, ठीक है, बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट को हटा दूं, तो अब देखो अब ये यहाँ पे सिग्मा बाय के, ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसको माइनस सिग्मा इक्वल्स टू माइनस सिग्मा इंड्यूस, ठीक है, ये आया। अब ये माइनस है तो इसके साइन चेंज कर देगी, हटा दो तो ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया माइनस, तो देखो वही आया, सिग्मा कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 बाय के इक्वल्स टू सिग्मा इंड्यूस, आ गया। ऐसे ही सिग्मा निकाल लिया, ऐसे ही क्यू इंड्यूस निकाल लिया, ये फॉर्मूला याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा अब देखो, अभी तो तुमने बताया कि कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, अब मेन बात तो मुझे अपनी कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ानी है, कि वो ज्यादा से ज्यादा उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, तो देखो क्या होगा, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी भाई, ये मान लो ये एक कैपेसिटर की प्लेट है जिसमें सिग्मा चार्ज है और इसमें माइनस सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यही था ना, दोनों की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता है दोनों प्लेट्स की वजह से, तो नेट आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बहुत बार कर चुके हैं, तो ये कितना आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्या किया, डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया गया, पूरे मतलब पूरे स्पेस को फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक से, ठीक है। अब पूछा है कि कितना कैपेसिटेंस आएगा, अब पूछा है कितना कैपेसिटेंस आएगा, तो सी की वैल्यू कितनी थी भाई बताओ, क्यू बाय वी करके निकाला था, राइट, क्यू बाय वी करके हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब बताओ कि किस किस तरीके से चीजें चेंज होंगी, वैल्यूज रखो। अब देखो क्यू को क्या लिख दिया, चार्ज सिग्मा किसके बराबर होता है, क्यू बाय ए के, क्यू को रख दो यहाँ पे सिग्मा ए, ठीक है, ये रहा क्यू को क्या रख दिया सिग्मा ए, ये रहा आपका पोटेंशियल, पोटेंशियल किसके बराबर होगा, अगर पूरा लिखूं यहाँ पे ईडी के बराबर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी मुझे बताओ, यहाँ पे अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंट में, ई बाय के रिड्यूस हो गई ना ई नॉट बाय के से, तो क्या लिख दिया सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट डी। तो इसको सॉल्व किया तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आई ए के एप्सिलॉन नॉट बाय डी, जो कि नॉर्मल कितनी आती थी ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, तो इसका मतलब क्या हुआ कैपेसिटेंस कितने टाइम्स बढ़ गया, देखो के टाइम्स, जितने टाइम्स तुमने जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, मान लो के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे, तो उतने ही से ही तुम्हारे जो कैपेसिटेंस था कैपेसिटर का वो बढ़ गया, ठीक है। तो हेयर द कैपेसिटेंस इज इंक्रीज बाय द फैक्टर ए, पहले प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो गया इफ यू एडेड द डाइलेक्ट्रिक,
बताओ भाई। समझ आया? बताओ, क्या कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। अच्छा, पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम पुराना भूल चुके हो मुझे लग रहा है। V इज इक्वल टू ई डॉट टी। इक्वल्स टू ईडी होता है, तो मैंने यहाँ पे वही करा है। देखो, सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी। क्यू को क्या लिखा? सिग्मा आई। वी को रख दिया ईडी। बस अब क्या रखा? ई की वैल्यू पुट कर दी जो अभी निकाली थी। कितने टाइम्स रिड्यूस हो जाता है भाई? के टाइम्स हो जाता है। अगर नॉर्मली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे देखो ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो अगर ये नॉर्मल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है तो डायलैक्ट्रिक के साथ कितना हो जाएगा इसका? के टाइम्स कम। ये यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से, तो ये हो गया सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करके ये वाली वैल्यू आई है, विच इज के टाइम्स मोर देन द सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। डन, समझ आ गया? अब यस एक मैम। चीज और, तुम्हारा यहाँ पे सवाल होना चाहिए था इस वाले क्वेश्चन के लिए कि मैम अगर यहाँ पे तो ये पूरा फील्ड है, राइट? यहाँ पे तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये पूरा फील्ड है। अगर मान लो वो पूरे में फिल करके नहीं देता है तो चार्ज कितना इंड्यूस होगा? तो तुम एक बार फॉर्मूले में देखो, क्या फॉर्मूले में कहीं पे थिकनेस, एरिया ऐसी टर्म्स आ रही है फॉर्मूले में? देखो यहाँ पे फॉर्मूला सिग्मा और चार्ज इंड्यूस में, चार्ज नो नहीं, वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? के की वैल्यू और इनिशियल चार्ज पे, राइट? अगर सवाल आता है कि सिर्फ इतनी सी थिकनेस आपने एक डाइलेक्ट्रिक की ली और उस पे क्यू इंड्यूस निकालना है, तो तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाएं। मैम ने तो यहाँ पे पूरे उसमें स्पेस में चार्ज वो रख दिया था डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो यही फॉर्मूला लगेगा। अगर चाहे छोटी सी थिकनेस हो या पूरा डाइलेक्ट्रिक हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि कितना कितने स्पेस में आप लोगों ने डाइलेक्ट्रिक रखा है। तो ये नोट डाल के रख लो कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। द इंड्यूस्ड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब ये वाला सवाल है, देखो ये क्या कह रहा है। हाँ, भाई चार्ज इंड्यूस पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने यहाँ तो देख लिया कि चार्ज इंड्यूस में तो जो फॉर्मूला आया है वो उसमें ना डी है ना ए है, ठीक है। बट एक बार जरा यहाँ आओ, यहाँ पे आओ, क्या कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ेगा अगर मैं सिर्फ छोटे से डिस्टेंस में रखती हूँ डाइलेक्ट्रिक पूरे में ना रखे? क्या कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में आ रहा है डिस्टेंस वगैरह कुछ? यस मैम। हाँ, डी क्या था भाई? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है ना, ये जो प्लेट है इसके बीच का डिस्टेंस ये था। अब अगर मैं क्या करूं, अगर सिर्फ इतने एरिया में भाई रख देती हूँ क्या डाइलेक्ट्रिक, तो चार्ज इंड्यूस्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा और सिग्मा इंड्यूस्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट देखो कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में डी है, तो हो सकता है यहाँ कुछ फर्क पड़े। तो वही अब हम देखेंगे। इफ द मीडियम डज नॉट फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कंप्लीटली, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? चलो एक बार तुम खुद से सॉल्व करो, क्या होगी भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो पहले तो, और उसके बाद कैपेसिटेंस की वैल्यू एक बार खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। आई विल गिव यू 2 मिनट्स। सॉल्व करो।
अभी हुआ क्या करेंगे बता। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हें पता चल गई कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, और जो ये वाला एरिया है जहां पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है वही वाला स्पेस है जहां पे वैक्यूम है, उसकी वजह से कितनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो सिग्मा हो गया। कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो था सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी, यहां से तुम लोग निकालते हो। तो देखो चार्ज तो ठीक है उतना ही रहेगा कि इस प्लेट पे सिग्मा है और यहाँ पे अगर सिग्मा ही आया, वी का दिक्कत आ गया क्योंकि वी किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो वी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, तो वी डिपेंड कर रहा है तुम्हारे फील्ड की वैल्यू पे, है ना। तो अब यहाँ से देखो नेक्स्ट पेज पे, अब देखो कैसे करेंगे भाई। देखो सी किस पे डिपेंड, सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी, ठीक है, यानी वी तुम्हारा जो पार्ट है वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड दो टर्म्स के लिए अलग अलग है ना, इन दोनों चीजों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अलग अलग है। मान लो कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसकी थिकनेस है टी, अब क्या किया तो अब क्या किया, वी को रखो वी इक्वल्स टू ई डी, ठीक है, प्लस ये कौन सी ई है जो कि तुम्हारे इस वाले स्पेस में अवेलेबल है, ठीक है, फिर लिखो लिखो ई डैश इंटू डी, यानी ये ई डैश है जो इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक के अंदर है ये वाली, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये वाली, तो इसको मैंने माना ई डैश, और जो ये ओपन वाला स्पेस है यहाँ पे माना इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट। चलो अब मुझे वी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, ई नॉट, यहाँ पे ई नॉट रहेगी, कितने डिस्टेंस में है भाई ई नॉट फील्ड बताओ, T माइनस T, T थिकनेस में तो तुम्हारी डाइलेक्ट्रिक है, ये रहा T थिकनेस का तो डाइलेक्ट्रिक है, तो E नॉट जो फील्ड है वो किस डिस्टेंस में हो गया, टोटल डिस्टेंस D माइनस T, देखो क्या किया यहाँ पे, ये कर दिया D माइनस T, ठीक है, प्लस E डैश कितनी हो जाएगी डाइलेक्ट्रिक के अंदर, E नॉट बाय K, डिस्टेंस कितना है भाई इसका T थिकनेस, तो यहां से तुमने क्या किया ई नॉट को कॉमन ले लो, क्या बचा टी माइनस टी प्लस टी बाय के, ठीक है, तो बस इतना करना है। अब देखो सी की वैल्यू क्या थी, ये रहा सी इक्वल्स टू क्यू बाय वी, तो सी इक्वल्स टू क्यू बाय वी रखो, तुमने वी निकाल लिया, फॉर्मूले में रुक दो बस, सी इक्वल्स टू क्यू बाय वी, वी की वैल्यू कितनी आई है ई नॉट टी माइनस टी प्लस टी बाय के, ठीक है, ये आ गया। E नॉट को क्या रख सकते हो दोबारा बताओ, E की वैल्यू कितनी आई है, E नॉट कितनी थी भाई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, हाँ, अब सिग्मा को चार्ज की टर्म्स में रखो कितना आ जाएगा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, वेरी गुड, ठीक है, अब बस E नॉट की जगह इसकी वैल्यू रखो कितना आएगा, मैम C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस C प्लस D बाय K, वेरी गुड, तो अब E नॉट की जगह जब ये वैल्यू रखोगे तो Q से यहाँ पे Q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा A एप्सिलॉन नॉट, तो ये से ये कैंसिल, तुम्हारी C की वैल्यू कितनी आ गई, दिस एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाय K, ठीक है, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, आपकी थिकनेस पे, कि कितनी थिकनेस की आपने डाइलेक्ट्रिक को यूज किया है। अच्छा अगर मान लो सवाल अगर पेपर में भाई इस तरीके से आ गया, अगर मैं पूछती हूँ ये दो ये पैरेलल प्लेट है तुम्हारे पास और इस थिकनेस ये टी थिकनेस है जिसकी डायलेक्ट्रिक है के और के वन और थिकनेस है टी वन, मैंने एक और डायलेक्ट्रिक यहाँ पे लगाई जिसकी थिकनेस है टी टू और जिसके पास डायलेक्ट्रिक है के टू, सवाल आता है कि कैपेसिटेंस फाइंड करिए, तो कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले को कैसे रिड्यूस कर दोगे, ऐसे एप्सिलॉन नॉट ए तो एज इट इज रहेगा, एरिया तो तुम्हारे प्लेट का है, इसका कैपेसिटर की प्लेट का, वो चेंज नहीं होना। अब डी देखो, डी कितना है भाई, पूरी प्लेट का डी है, मान लो ये यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस डी है, ये भी चेंज नहीं होना, डी रख दो, डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का थिकनेस अब दो है आपके पास, यानी टी वन ठीक है माइनस टी टू। अब देखो प्लस, अब देखो टी बाई के है तो ऐसे टी को लिखोगे टी वन बाई के प्लस टी टू बाई के, इस तरीके से क्या हो जाएगा तुम्हारे कैपेसिटेंस को सॉल्व कर लोगे। इसी फॉर्मूले को चेंज करते जाना ऐसे ऐसे करके, डन ठीक है। अब एक बार नोट पढ़ो कि नोट्स क्या लिख रहा है। पहला कि कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करेगा कि पोजीशन कहाँ है, है ना, ऊपर है डाउन है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सेम आएगा, बस वो तुम्हें थिकनेस का ध्यान रखना। दूसरा देखो क्या लिख रहा है, अगर डाइलेक्ट्रिक की जगह मेटल की स्लैब हो तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बताओ। सवाल कि अगर मान लो मेटल की प्लेट की जगह जो ये यहाँ पे लगाई है, ये डाइलेक्ट्रिक की प्लेट की जगह मेटल की प्लेट लगा दी तो कैपेसिटेंस कितना आना चाहिए, कितना आएगा। तो देखो फॉर्मूला है तुम्हारे पास ये वाला, ये फॉर्मूला है ठीक है। अब जो के है ना मेटल के लिए होता है भाई इनफाइनाइट, मेटल के लिए के क्या होता है इनफाइनाइट, तो मेटल के पास मैंने क्या बताया कि जितना चार्ज लाके दोगे उतना ही चार्ज वो इंड्यूस करके दे देगा, कितना ही चार्ज लेके आओ उतना ही चार्ज इंड्यूस कर देगा। तो उसके पास जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो क्या है इनफाइनाइट, तो टी बाय के यानी वन बाय इनफाइनाइट कितना हो गया जीरो, ठीक है वन बाय इनफाइनाइट इज जीरो। तो इसमें ये टी बाय के वाली टर्म को हटा दो, क्या बचा सिर्फ ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। तो ये तुम्हारे पास किसके लिए टर्म आई है भाई, अपने डायलेक्ट्रिक की जगह क्या रखा है मेटल को रखा है, तो ध्यान रखना हाँ अगर मेटलिक स्लैब है डायलेक्ट्रिक की जगह तो जो के वाला टर्म है टी बाय के वो जीरो हो जाएगा, फॉर्मूला सिर्फ एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि जो थिकनेस है वो बहुत कम है ठीक है, थिकनेस जो है वो डी के कंपैरिजन में बहुत कम है तो क्या आएगा स्लैब, स्लैब के साथ मेटलिक स्लैब का वो कैपेसिटेंस। थिकनेस जो है वो बहुत ये है कंडीशन, क्या आ जाएगा फिर कैपेसिटेंस इसका, कंपैरिजन करो, कंपैरिजन जब करते हो कोई चीज एक के मुकाबले बहुत छोटी हो जाती है तो उसको क्या करते हैं फिजिक्स में इग्नोर, कितना निग्लेक्ट कर देते हैं वही, तो क्या आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय टी। सिर्फ किसका था मेरा कैपेसिटेंस सिंपल पैरेलल प्लेट का, ठीक है सिंपल पैरेलल प्लेट का। तो ये हो गया तुम्हारे कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो ये चीज याद रख लो कि स्लैब के साथ कैसे आएगा, पूरे में अगर डाइलेक्ट्रिक है तो क्या कैपेसिटेंस आएगा, आधे में है तो क्या आएगा, कई बार यहाँ से सवाल उठाए जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला सवाल करके देखो एक बार क्या है सवाल। चार्ज कैपेसिटर है जिसकी एनर्जी दी हुई है और उसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, और व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज कीप कांस्टेंट बाय कीपिंग द कैपेसिटर कनेक्टेड टू सप्लाई, एक सेकंड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना इंसर्ट कर दिया 150 कर दिया, पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है कांस्टेंट है, तो फाइंड करना है एनर्जी स्टोर्ड व्हेन द स्लैब इज कंप्लीटली फील्ड।
फाइंड द न्यू एनर्जी, तो पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा है, मतलब वी पे कोई चेंज नहीं आया, और जब डायलैक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया कनेक्टेड टू सप्लाई है या सप्लाई 150 वोल्ट है, फाइंड द न्यू एनर्जी स्टोर्ड व्हेन द डायलैक्ट्रिक स्लैब इज कंप्लीटली फिल्ड विद कैपेसिटर। तो डायलैक्ट्रिक स्लैब को कंप्लीटली फिल्ड कर दिया, फाइंड द चेंज इन एनर्जी। तो यू इनिशियल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 सी वी स्क्वायर, ठीक है। सी फाइनल जब तुमने क्या कर दिया, कैपेसिटेंस को डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, तो सी डैश किसके बराबर हो जाएगा भाई, के टाइम्स ऑफ सी, है ना, कंप्लीटली इंट्रोड्यूस है, तो के टाइम्स हो जाएगा 1/2 के टाइम्स ऑफ सी वी स्क्वायर। तो ये 150 वोल्ट है, पर डायलैक्ट्रिक की इसमें वैल्यू नहीं दी है भाई, चार्ज कैपेसिटर एनर्जी इतनी है। हाँ तो देखो एनर्जी बताओ, सॉल्व करो, सब निकलेगा। फर्स्ट फॉर्मूले से एनर्जी एनर्जी दी हुई है, ये रहा एनर्जी इतनी है, ठीक है। तो यहाँ से वी की वैल्यू निकालोगे, पोटेंशियल की वी आ गया यहाँ से 100 आ रही है। वी की वैल्यू कितनी आ रही है यू आई से, 2 × 10⁻⁴ इक्वल्स टू 1/2। सी की वैल्यू 4 × 10⁻⁸ वी स्क्वायर 100। हाँ वी आ गया भाई 100 वोल्ट, ठीक है। अब इसको क्या रखा है, कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रखा है, और आपने क्या करा, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका है 150। तो आपके पास यू फाइनल कितना आ गया, 1/2 150 इंटू सी, सी की वैल्यू रख दो 40 × 10⁻⁸ जो ऑलरेडी गिवन है, पोटेंशियल तुम निकाल चुके हो ऑलरेडी 100, ठीक है। चलिए करिए, अब कितना आया यू फाइनल, −6, तो ये आया 3 × 10⁻⁴ जूल। तो देखो एनर्जी बढ़ गई कि कम हो गई, पहले कितनी थी 2 × 10⁻⁴, लास्ट फाइनल कितनी आ गई 3 × 10⁻⁴, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या है, हाउ मच एक्सेस चार्ज फ्लो फ्रॉम द सप्लाई, हाउ मच एक्सेस चार्ज फ्लो फ्रॉम द सप्लाई। तो यानी अब आपको निकालना है क्यू, क्यू कैसे निकालोगे, हाउ मच एक्सेस चार्ज फ्लो फ्रॉम द सप्लाई, कितना चार्ज जो है सप्लाई से एक्सेस फ्लो हुआ, क्यू की वैल्यू, ये क्यू आ जाएगा। उसके बाद रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट एंड रेशियो इंड्यूस्ड चार्ज, ये तो आराम से निकाल लोगे। इंड्यूस्ड चार्ज कैसे निकाला था, क्यू 1 − 1/k। तो जब सेकेंड क्वेश्चन से क्यू आ जाएगा, के गिवन है 150 ऑलरेडी, तो यू विल गेट इजिली क्यू इंड्यूस्ड, ठीक है, और उन दोनों का रेशो भी निकाल लोगे। तो पहला है सबसे पहले, दूसरा सवाल कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है दूसरे का, भाई क्यू फाइनल कितना आ जाएगा, सीवी राइट, सीवी फॉर्मूला सी डैश वी, सी डैश कितना है तुम्हारे पास, के टाइम्स ऑफ सी इंटू वी, ठीक है। डायलैक्ट्रिक कितना है 150 इंटू सी, पहले क्यू इनिशियल निकालो फिर क्यू फाइनल, और दोनों का सब्ट्रैक्ट करो, उसका मतलब वो चार्ज कहाँ से आया है, सप्लाई से आया है। तो ऐसे सवाल निकालो, पहले क्यू आई यहाँ से, फिर क्यू फाइनल, और दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, वो आएगा तुम्हारा ये वाला चार्ज, ठीक है, हो जाएगा भाई। यहाँ से क्यू आई निकल जाएगा ना, आपके पास वी भी है सी भी है, और फाइनल निकालोगे तो ये सी डैश इसके बराबर हो गया के टाइम्स, और ये आपका वी, ठीक है। तो आपके पास चार्ज आ जाएगा दोनों को माइनस करके, और वही चार्ज आ जाएगा जो एक्सेस चार्ज है, और रेशियो ऑफ चार्ज निकाल दोगे, क्यू इंड्यूस्ड ये रहा, और क्यू यहाँ से जो चार्ज आएगा
एक्सेस चार्ज और उन दोनों का रेशियो। एक्सेस चार्ज मिला तुम्हें यहाँ से सवाल नंबर 2 से। बोलो समझ आया? हाँ आयुष बोलो। मैम फॉर्मूले में वी स्क्वायर है मैम, वी फाइनल में 100 का स्क्वायर नहीं होगा इसमें, इस वाले फॉर्मूले में? यस मैम। यहाँ पे तो ये देखो 10^-4 है और अपॉन 10^8, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा, पॉजिटिव 8 जाएगा, तो कितना 10^4 आई ना, तो जब ही तो वी स्क्वायर करके 2 ही पावर बचेंगी, अदरवाइज 10^4 आएगा, तो 10^4 का जब रूट किया है तभी 100 आया है यहाँ पे। ठीक है मैम, वी फाइनल जो निकाला है, वी फाइनल, वी फाइनल नहीं निकाला, ये वी नहीं निकाला, यू फाइनल, यू फाइनल। हाँ अच्छा, तो यू फाइनल में कह रहे हो कि 100 का स्क्वायर? यस मैम। यहाँ पे ठीक है, ठीक है, तो बोल रहे हो यहाँ पे 100 का स्क्वायर। हाँ तो आप कैलकुलेशन कर लो कितना आएगा, 1/250 कितना आ रहा है बताओ, यू फाइनल 3×10^-2 -2। ठीक है, तो इतने टाइम्स आपकी ये एनर्जी आ गई, तो अब ऐसे ही तुम क्यू निकाल लोगे इनिशियल और ऐसे ही फाइनल क्यू निकाल लोगे और दोनों का डिफरेंस ले लोगे, वो तुम्हारा एक्सेस चार्ज और फिर रेशियो, डन। अब आगे बढ़ते हैं, ये सवाल था वो जो विन कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन घर से ट्राई करना, बहुत सारे सवाल कर चुके हैं ऐसे हम लोग। इन प्लेट्स को ए को सी के साथ कनेक्ट किया, बी को डी से, तो क्या चेंज आएगा, सब तुम बी कॉमन निकालना आता है, चार्ज निकालना आता है, वही सवाल है, घर से ट्राई करना। और ये वाला सवाल अब हम लोग करेंगे एक बार सीरीज पैरेलल करने उसके बाद, ठीक है। अब एक बार ये चीज देख लो डायलेक्ट्रिक का, यहाँ पे क्या है डायलेक्ट्रिक के बारे में, पैरामीटर में, कि अगर बैटरी कनेक्टेड है डायलेक्ट्रिक के साथ तो क्या चेंज आएगा और बैटरी डिसकनेक्टेड है तो क्या चेंज आएगा। पहले मुझे कोई विदाउट डायलेक्ट्रिक बताओ कि बैटरी को हटाने से क्या क्या चीजें चेंज होगी, से क्या क्या चीजें चेंज हो जाती, मैं पूछती हूँ, जो मुझे बताएगा दिव्यांश बताएगा, दिव्यांश बताओ, दिव्यांश दिव्यांश बताओ, सवाल ये है, हाँ सवाल ये है कि कैपेसिटेंस को, मतलब एक कैपेसिटर है ठीक है, पहले उसे चार्ज किया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, और फिर उसके बाद मान लो मैंने वो जब बैटरी को रिमूव किया तो उनकी प्लेट्स को भी शिफ्ट कर दिया, तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो चेंज होते हैं, बताया है भाई मैंने बहुत बार बताया है, दीक्षांत बताओ, इशिता बताइए कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, हाँ, और पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी गुड वेरी गुड। क्या था भाई, जब मैंने तुम्हें जब नॉर्मल केस कराया था तो नॉर्मल केस में क्या था कि जब बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं, एक तो केस है सी चेंज हो जाए, दूसरा है कि बी चेंज हो जाए, ये दो केसेस बनते हैं, फिर उन दोनों का भी डिटेल में बताया था कि सी कब चेंज होगा, जब डिस्टेंस चेंज होगा है ना, अदरवाइज सिर्फ पोटेंशियल चेंज होगा, तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे है, मान लो कि आपके पास बैटरी कनेक्ट, ये आपका कैपेसिटर प्लेट है और आपने डायलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, ये डायलेक्ट्रिक है, ये इंट्रोड्यूस किया है, डिस्टेंस डी पे रखी हुई है दोनों प्लेट्स, इनिशियली उसके पास वी नॉट था, इनिशियल वी नॉट था और फाइनली आपके पास ये वी नॉट ही रहेगा, क्यों, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, ये रहा बैटरी रिमेंस कनेक्टेड तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, दूसरा कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से, के टाइम्स, चाहे बैटरी कनेक्टेड हो या ना हो,
दूसरा चार्ज, चार्ज देखो क्या हो जाएगा, सी डैश वी। पोटेंशियल कितना रहेगा पुराने वाला, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सी डैश कितना हो जाएगा, के टाइम। तो चार्ज कितना हो गया आपका बच्चों यहाँ से, के टाइम्स इंक्रीज हो गया। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल पे। अगर पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि बैटरी अभी भी कनेक्टेड है, पोटेंशियल बैटरी क्या करेगी, पोटेंशियल को वही रखेगी जितना था पहले, कॉन्स्टेंट बनाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या रहेगा, सेम। तो बस यही बात है, बैटरी कनेक्ट रहेगी तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ चेंज किस में आएगा, कैपेसिटेंस में, ठीक है। वो भी तब जब अगर डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया है। दूसरा देखो, अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब आपने डाइलेक्ट्रिक रखा और डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद डाइलेक्ट्रिक उठा और उसके बाद आपने बैटरी को रिमूव कर दिया, बैटरी को हटा दिया, तो क्या होगा, कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा, कैपेसिटेंस अभी भी के टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है भाई, कैपेसिटेंस का ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। बैटरी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो के टाइम्स बढ़ जाएगा। चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज का फॉर्मूला क्या है देखो। अब बात आई चार्ज की, चार्ज पे तुम कहोगे मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो वी से यहाँ पे कम हो जाना चाहिए, तो चार्ज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि चार्ज रहेगा कंजर्व, ठीक है। चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा या बैटरी लगे या ना लगे, चार्ज हमेशा कंजर्व ही रहेगा, ठीक है। अगर बैटरी हट गई है तो, डिस्कनेक्ट हो गई है तो, अगर लगी है तो बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देखो क्या हो जाएगा, बैटरी हट गई है तो इसका मतलब पोटेंशियल चेंज होगा, इतना तो कंफर्म है। अब क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक के रखने से कम होगा या ज्यादा होगा, तो देखो क्यू तो तुम्हारा सेम रहेगा लेकिन तुम्हारा कैपेसिटेंस कितना हो गया डाइलेक्ट्रिक की वजह से, के टाइम्स हो गया। तुम्हारा पोटेंशियल कितना डिक्रीज हो गया, के टाइम्स। और ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिक वी इक्वल्स टू ई डी। ई कितना हो जाएगा, वी बाय डी, ठीक है। तो वी अगर आपका के टाइम्स डिक्रीज हुआ है तो और उसी का तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, देख लो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी या ज्यादा होगी, बताओ। बताओ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम या ज्यादा, फॉर्मूला देखो यहाँ पे, डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस भी कम, पोटेंशियल भी कम हो गया, चार्ज कांस्टेंट रहा, कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो ये चीजें ये याद रख लो, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड हो गई तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कम हो जाएंगे, कौन कौन से पैरामीटर है जो इंक्रीज हो जाएंगे और जो कॉन्स्टेंट रहेंगे। ये वाली शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस शीट को अपनी कॉपी में लिख लो और स्टार मार्क बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा। देखो चार्ज कंजर्वेशन का तुम फॉर्मूला लगाओगे सी वी, तो अब तुमने जब सेकंड केस में देखा कि पोटेंशियल घट गया तो तुम ये मत करना कि चार्ज भी घटा दो। बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई तो चार्ज कैसे कम होगा, चार्ज जितना बैटरी ने पहले उस सप्लाई कर रही थी, बैटरी जितना चार्ज उतना तो वो अभी भी सप्लाई करेगी अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कहाँ भाग जाएगा, नहीं डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता, चार्ज क्या हो सकता, बढ़ सकता है। बढ़ेगा कब, जब आपके या तो वी बढ़े या सी, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। इस वजह से इस वाले केस में आपका चार्ज भी बढ़ गया, कैपेसिटेंस भी बढ़ गया, फील्ड और पोटेंशियल सेम रहेंगे। आई होप यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। No. अगर किसी को है तो भी पूछो। मैम अब ये सिर्फ डाइलेक्ट्रिक के लिए है, मैम अगर मेटालिक स्लैब हो तो? हाँ ये सिर्फ डाइलेक्ट्रिक के लिए है, मैंने बिना डाइलेक्ट्रिक के लिए भी बहुत बार समझाया है तुम्हें कि बैटरी का और उसका, कि अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो क्या क्या चीजें होंगी, ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें पुरानी किताब क्लासेस में पढ़ाया है, बताओ भाई पढ़ाया है कि नहीं, एंट्रेंस करो जिन्हें पता है कि मैंने पुराने क्लासेस में पढ़ाया है कैपेसिटेंस और पोटेंशियल कैसे चेंज होते हैं। देखो सारे सो रहे हो, कहाँ चले गए, एंट्रेंस करो कि पुरानी क्लास में पढ़ाया है कि नहीं। सुजल बताएगा, सुजल बताओ, सुजल बताएगा, सुजल बताओ भाई, अनम्यूट करो सुजल खुद को, चल अनम्यूट करो भाई। आयुष बताएगा, चलो आयुष बता दो,
आयुष ने भी एंड किया। अरे यार कैसे बच्चे हो तुम लोग, चलो कौन बताएगा अब। हाँ बताओ फिर। मैम जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई कि जब कनेक्टेड रहेगी? मान लो कैप एक प्लेट है कैपेसिटर, ठीक है पैरेलल प्लेट है, और पहले वो बैटरी से कनेक्टेड थी, उसके पास चार्ज था यहाँ पे बनाते हैं, या आपके पास ये पैरेलल प्लेट की ये है कैपेसिटर जिसके पास कैपेसिटेंस सी है, मान लो चार्ज क्यू है और पोटेंशियल इसके पास वी है, मतलब बैटरी से कनेक्टेड है। अब मान लो आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, ठीक है डिस्कनेक्ट, अब क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं मुझे ये बताओ, अब क्या क्या, अब क्या फर्क पड़ेगा डिस्कनेक्ट कर दिया, तीनों पे बताना है। देखो क्या, अब जब डायलैक्ट्रिक है नहीं तो ये तीन चीज ही है तुम्हारे पास, सी क्यू वी और एक एनर्जी, बस बताओ सी पे कोई फर्क पड़ेगा, बताओ सी पे का फर्क पड़ेगा, सी पे का फर्क पड़ेगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, जब किस में चेंज आएगा डिस्टेंस में, है ना। तो कैपेसिटर पे तुम इस चीज से डिफरेंस देखोगे, बैटरी से तो कोई फायदा ही नहीं है। चार्ज का बताओ, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, तभी उसे पूछ रही हूँ। इशिता बताओ चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, चार्ज इज कंजर्व्ड, बैटरी हटे फूटे कुछ भी हो चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अगर बैटरी हट गई, अगर यहाँ पे क्यू इनिशियल चार्ज क्यू था तो फाइनली यहाँ पे भी चार्ज क्यू ही रहेगा। पोटेंशियल का बताओ तनुप्रिया, तनुप्रिया तो गई, क्रिश बताएगा, क्रिश बताओ पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा बैटरी डिस्कनेक्ट करती तो, मैम डिक्रीज होगा, चेंज हो जाएगा। देखो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मैं नहीं कह सकती डिक्रीज होगा या कुछ, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आप वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते जहां पे अगर मान लो आपसे कुछ भी पूछा है, एनर्जी पूछी है, तो यू कैन नॉट यूज द फॉर्मूला ऑफ वी वाला, सी वी स्केयर, ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करोगे, तो कहाँ पे जाओगे, क्यू स्केयर बाई टू सी वाले फॉर्मूले पे, बस ये था, ठीक है। एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, और एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, क्यू स्केयर बाई टू सी, ये था मेन दिक्कत। अब यहाँ पे एनर्जी देखो, इस वाले केस में बात करें एनर्जी की, बैटरी कनेक्टेड है तो एनर्जी क्या फॉर्मूला होगा, वन बाई टू सी डैश वी स्केयर, सी किसके बराबर हो गया, के टाइम्स, तो पल्ल तो ये क्या हुआ आपका, ये भी के टाइम्स इंक्रीज हो गई, है ना। यस मैम। हाँ जी मैम, अब दूसरा वाला देखो, अगर ये वाला देखोगे आप, इसमें क्या हो गया, k टाइम्स डिक्रीज हो गई, क्योंकि c किसके टाइम, c तो बढ़ गया, बट आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते ये वाला फॉर्मूला यूज, क्योंकि v चेंज होगा, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला डिस्कनेक्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, क्यू स्केयर बाई टू सी, ये याद रखना, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन, ठीक है। यहाँ पे देखो k टाइम्स डिक्रीज हो गई आपकी एनर्जी, तो कल एक बार इनको घर से पढ़ के आना, कल अगर क्लास है तो कल हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड ये कंप्लीट कर देंगे, और आई थिंक वी हैव डन, कल बस क्वेश्चन क्वेश्चन होंगे, जितना भी था हम लोग ने सब पढ़ लिया है, ठीक है। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो जो आज टॉपिक करें उसके बेसिस पे।